और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से। एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शख्स पर खून सवार हो गया। अवैध संबंधों के शक में इस शख्स ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी, और हत्या के बाद इसने बेटी को भी लहूलुहान कर दिया, खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। जावेद अपनी पत्नी साफरीन और बेटी के साथ किराए के मकान में रह रहा था। जावेद को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है, इसी के चलते उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर खुदकुशी करने की कोशिश की। जावेद, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, और उसकी पत्नी साफरीन, ये किराए के मकान में रहते थे, और जब पड़ोसियों द्वारा इनके मकान को इनसे खोलने का प्रयास किया गया तो अंदर झांकने पर पता चला कि दोनों घायल अवस्था में वहाँ पड़े हुए हैं। फिर पड़ोसियों द्वारा बाहर से गेट को तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और उसमें से जो पति जावेद था उसको तत्काल अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया। इनकी एक बेटी भी थी, वो उसके भी गर्दन पर चोट के निशान थे, उसे भी तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जावेद की पत्नी सबरीन 8 महीने से मायके थी और 20 दिन पहले ही घर आई थी। पत्नी की हत्या के बाद जावेद ने खुद पर और 3 साल की बेटी पर उस तरह से कई वार किए। दोनों लहूलुहान हो गए, हालांकि दोनों की जान बच गई। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और एक बड़ी खबर और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ की टीम ने 4 टाइम बम के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। साथ ही पूछताछ में पता चला कि एक महिला के कहने पर ये लोग मौत का सामान बना रहे थे। एसटीएफ ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके तार मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। यूपी पुलिस ने मुजफ्फरनगर से बम बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी जावेद के पास से पुलिस को 4 टाइमर बोतल बम मिले हैं। बम को डिफ्यूज करने के लिए मेरठ से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। पूछताछ में पता चला है कि जावेद ने एक महिला के कहने पर बोतल टाइमर बम बनाए थे। आपको बता दें कि पुलिस को काफी वक्त से जावेद की तलाश थी। जावेद ने बताया कि उसने बम बनाने को लेकर 50,000 रुपए की डील की थी। इमराना नाम की महिला ने उसे बोतल बम तैयार करने के लिए पहले 10,000 रुपए दिए थे और बाद में डिलीवरी के वक्त 40,000 रुपए देने की बात हुई थी। पूछताछ में पता लगा है कि आरोपी जावेद बोतल बम बनाने के लिए लोहे की गोलियां साइकिल की दुकान से, ग्लूकोज की बोतलें डॉक्टरों से और घड़ी की मशीन घड़ी की दुकानों से लेता था। यूपीएसटीएफ की टीम ने टाइमर बम के साथ जिस जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है उसका संबंध नेपाल से है। बहुत अच्छा लड़का है, वो सबकी मदद करा है, बस पता नहीं क्या किसी के सिवाय में आ गए ने, मुझे नहीं पता कुछ भी, घर से तो चला गया था वो। तो क्या लगता है इस पे पुलिस उस पर आरोप लगा रही है बम बनाने के, तो क्या वो बनाता था? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करता, बिल्कुल झूठ है, गलत है, लेकिन बिल्कुल गलत है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि मुजफ्फरनगर में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 आईडी बरामद किए गए। जिन लोगों ने ये बम बनाए हैं उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भी ऐसे ही बम बनाकर बांटे थे। पुलिस ने अब उस महिला की तलाश शुरू कर दी है जिसके कहने पर ये बम बनाए गए थे। उस दंगे के जिसने न सिर्फ हल्द्वानी बल्कि पूरे उत्तराखंड को दहला कर रख दिया, पुलिस पर भी हमला किया गया और कल इस पूरे दंगे के जो मास्टरमाइंड था उस पर बड़ा एक्शन हुआ है। बिल्कुल, हल्द्वानी हिंसा मामले में कोर्ट ने मास्टरमाइंड सहित 9 लोगों के खिलाफ जो है संपत्ति कुर्क करने का आदेश जो है वो दे दिया था। शुक्रवार को किस किस पर एक्शन हुआ और क्या क्या हुआ एक्शन के दौरान, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेगा, कानून से खिलवाड़ करोगे तो तोड़ेगा। देखिए इन तस्वीरों को, ये हल्द्वानी की हैं, जहां कुर्क की कार्रवाई उस घर पर हो रही है जिसका मालिक हिंसा का मास्टरमाइंड है। जी हां, ये घर अब्दुल मलिक का है और पुलिस यहां उसकी संपत्ति कुर्क कर रही है। आप देख सकते हैं दरवाजे उखाड़े जा रहे हैं, खिड़कियां उखाड़ दी गई हैं, सामान जब्त किया जा रहा है। दरअसल हिंसा के बाद से ही मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के साथ उसके बेटे सहित 9 लोग फरार हैं। शुक्रवार को अब्दुल मलिक और उसके बेटे को भगोड़ा घोषित कर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। इससे पहले नैनीताल पुलिस ने सभी 9 वांटेड आरोपियों के जगह जगह पोस्टर चिपकाए
बता दें कि हल्द्वानी हिंसा के जो आरोपी फरार हैं उसमें मोहम्मद अब्दुल मलिक, मोहम्मद मौकिन सैफी, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद अयाज अहमद, मोहम्मद रईस, मोहम्मद अब्दुल मोईद, मोहम्मद शकील अंसारी और मोहम्मद जियाउल रहमान का नाम शामिल है। पुलिस ने आना हुई और यहाँ भी जोश जबरदस्त तरीके से हाई नजर आया। ये ट्रेन बीएचपी और आरएसएस ने बुक करवाई थी। दरअसल अयोध्या के लिए जो ये ट्रेन रवाना हुई है इसमें ज्यादातर वो लोग सवार थे जो 1992 में कार सेवा में उस वक्त वहां गए थे। और जाहिर सी बात है जब वो लोग इस ट्रेन में सवार थे तो ट्रेन में माहौल क्या रहा होगा आप समझ सकते हैं। चलिए आपको अपने सहयोगी मकरंद काले की एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से उन्होंने श्रद्धालुओं से बात की है और कैसे उनका जोश आएगा। जोश है, उत्साह है और उमंग है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन की और यहाँ पर जो तमाम हिंदूवादी संगठनों के नेता है, आरएसएस के नेता है, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो जा रहे हैं अयोध्या और पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो बुक की गई है। और ये तमाम जो लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं इस समय, खुशी इसकी कि राम मंदिर अमूर्त स्वरूप में आ चुका है और बरसों का जो इंतजार है वो खत्म हुआ। कहाँ से आए? राजेश साहू भोपाल। कहाँ जा रहे हैं, किस चीज का उत्साह है? 500 वर्षों की संघर्ष के बाद हमारी कितनी पीढ़ियां खप गई, हमारे पूर्वज सपने देखते देखते खत्म हो गए, आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे जीवन में हमारे सामने भगवान श्री राम अपनी जन्मस्थली पर विराजमान हो रहे हैं। अब हम लोग सब यात्रा पर जा रहे हैं, भगवान का भजन करते हुए जाएंगे, भजन करते हुए वापस आएंगे। कहाँ से आई है आप और कितना उत्साह है? भाई साहब मैं बैरसिया से जिला दुर्गा वाहिनी संयोजक का काजल सिंह। इतनी खुशी हो रही है कि जिसे हम बता नहीं सकते। प्रभु की खुली आंखों से साक्षात दर्शन करने को मिलेंगे। इसके लिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हम सभी भाई बहन प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि समुद्र मंथन के बाद जैसे अमृत निकला था, आज हम अमृत पान करने के लिए भगवान राम के दर्शन करने जा रहे हैं। आप कितना उत्साह देख रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं? अरे गजब का उत्साह है, 500 साल बाद रामलीला आए हैं, इतने ज्यादा और यहाँ से अधिकतर लोग पहले संघर्ष के समय गए हैं, मारपीट सहते हुए, लाठियां खाते हुए, गोली खाते हुए गए, आज बहुत अच्छी तरह से और एक सम्मानदेय तरीके से जा रहे हैं, इसलिए बहुत उत्साह है। ये सभी कार सेवक है जितने भी लोग हैं या अधिकतर इसमें कार? अधिकतर कार सेवक है जो 92 में गए थे, 90 में गए थे और अब सम्मान पूर्वक जा रहे हैं, इसलिए बहुत उत्साह है। श्वेता देखिए कैसे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम के लिए ट्रेन जो है स्पेशल वो चलाई जा रही है। रामनगरी में जो भक्त पहुंच रहे हैं वो काफी खुश हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेने, लेकिन राहुल गांधी ऐसे में भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि श्री राम उद्योगपतियों के हैं, तो फिर जो ये हजारों लाखों के संख्या में श्रद्धालु कतार में खड़े होकर के रामलला के दर्शन के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि ये लोग कौन हैं और साथ ही राहुल गांधी के निशाने पर कौन है वो भी आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी में एंटर कर चुकी है। शुक्रवार को यात्रा बिहार के नौबतपुर बॉर्डर से यूपी के चंदौली में पहुंची। राहुल गांधी ने यहां एक सभा को संबोधित किया और राम के नाम पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राम मंदिर के फंक्शन में आपको कोई किसान दिखा? एक किसान दिखा? एक गरीब व्यक्ति दिखा आपको? अमिताभ बच्चन दिखे? अंबानी और अदानी दिखे? हिंदुस्तान के सब अरबपति दिखे? बीजेपी के दो तीन नेता आपको दिखे? आदिवासी प्रेसिडेंट आपको दिखे वहां पे? राष्ट्रपति के लिए जगह नहीं थी, गरीबों के लिए जगह नहीं थी, मजदूरों के लिए जगह नहीं थी, बेरोजगार युवाओं के लिए जगह नहीं थी। राहुल गांधी को शायद यह तस्वीर नजर नहीं आई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उन गरीब मजदूरों पर फूल बरसा रहे हैं जिन्होंने एक एक पत्थर को जोड़कर भव्य और दिव्य राम मंदिर को साकार किया। राहुल गांधी को साधु संतों की आंखों से छलकते आंसू नजर नहीं आए जिनका 500 साल का सपना पूरा हुआ। 22 जनवरी को पूरा देश राममय था,
शायद राहुल को वो भी नजर नहीं आया। आज भी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। उसमें किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, नौजवान भी हैं। हर कोई प्रभु श्री राम के दर्शन को बेताब है। राहुल गांधी आज बाबा काशी विश्वनाथ के दर पर मत्था टेकेंगे, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। काशी से अयोध्या की दूरी महज 200 किलोमीटर है। बहरहाल भगवान राम राहुल गांधी को अपने पास बुलाना नहीं चाहते या राहुल जाना नहीं चाहते, ये तो राम ही जाने। लेकिन राहुल की न्याय यात्रा चुनाव में कितनी रंग लाएगी, ये भी आने वाले समय में तय हो जाएगा। और चलिए बात करते हैं वाराणसी की। ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में 31 जनवरी के बाद से ही पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष में गजब का उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये रास नहीं आ रहा। अब इसी को लेकर नमाजियों की तादाद देखिए किस तरीके से ज्ञानवापी में बढ़ने लगी है। हर जुमे पर वो अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए नजर आते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। ये तस्वीरें बनारस की हैं। ये बाबा काशी विश्वनाथ की धरती है, जहां सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त ज्ञानवापी की है। 31 जनवरी से व्यास जी तहखाने में पूजा होती है और ऊपर नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन ज्ञानवापी के तहखाने में जब से पूजा शुरू हुई है, तब से मुस्लिम समाज गुस्से में है और हर जुमे पर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? पीली कोठी। अरे तो पीली कोठी में भी तो बहुत सारा वो है, मस्जिद है, उधर नमाज नहीं पढ़ते आप लोग? लोग यही पढ़ते हैं रोज। नहीं, पहले तो लोग नहीं पढ़ते थे, आप देख रहे हैं बहुत संख्या में आ रहे हैं, क्या कारण है? हम लोग पुराने नमाज पढ़ने वाले, हम लोग पुराने नमाज पढ़ने। लेकिन किसी बात का डर है क्या आप लोग को? कोई डर नहीं है, डर तो नहीं है। डरो अल्लाह से, बंदे से नहीं। आम दिनों में जुमे के दिन नमाजियों की जो संख्या 500 के करीब होती थी, वो अब 2000 के ऊपर पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक नमाज अदा करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे मोहल्लों और दूसरे जिलों से पहुंच रहे हैं। 31 जनवरी की रात जब पूजा पाठ शुरू हुआ है, उसके बाद से ही जो नमाजियों की संख्या है, उसमें एक तरीके से बेतहाशा वृद्धि हुई है। और माना यह जा रहा है कि जो संख्या है वो अब 1000 से 1500, 2000 के आसपास पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि अब जो स्थानीय प्रशासन है, उसके भी माथे पर चिंता की लकीरें हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जुमे की नमाज के बहाने जो लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो अपनी एक तरीके से ताकत की नुमाइश करना चाहते हैं। ज्ञानवापी में नमाजियों की इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई, लेकिन 31 जनवरी के बाद यानी तहखाने में पूजा शुरू हुई तो नमाजियों की संख्या में भी इजाफा हो गया। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में पूजा के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। मामला कोर्ट में है, फैसला क्या होगा ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। राजस्थान के सबसे चर्चित विधायक बाबा बाल मुकुंद एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से अपने लाल लश्कर के साथ एक इलाके में अचानक से बाबा पहुंच गए और कूड़े से पटा हुआ शिवालय देखकर के बाबा आग बबूला उठे। उसके बाद वहां पर क्या स्थिति बनी, सब कुछ देखिए रिपोर्ट में। ये हवा महल से विधायक बाबा बाल मुकुंद हैं, आए दिन चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं। उसकी वजह एक मंदिर है। दावा किया जा रहा है कि जहां कचरे का ढेर है, वहीं पर प्राचीन बावड़ी थी, शिवालय था। लोगों ने उसके बगल में मजार खड़ा कर दिया और बावड़ी शिवालय को कूड़ों से ढक दिया। यहां पर बालाजी का मंदिर भी बताया जा रहा है और कॉर्नर पर शिव परिवार है। आप देखेंगे, पहले मैं आपको शिव परिवार दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहां कचरे का ढेर है और उस कचरे के ढेर के नीचे बताया जा रहा है कि हनुमान और शिव परिवार का जो मंदिर, जो आप स्ट्रक्चर सामने देख पा रहे हैं मेरे हाथ के इशारे के साथ, जो स्ट्रक्चर बना हुआ उसमें अंदर शिव परिवार और हनुमान बता रहे हैं विधायक बालमुकुंदाचार्य, और कचरे के ढेर के साथ इसको पूरा पाट दिया गया है। बाबा को जब इसकी भनक लगी तो बिना समय गंवाए लाव लश्कर के साथ बाबा बावड़ी के पास पहुंच गए और क्या कहा पहले ये सुनिए। इस तरीके से इस प्रकार की गंदगियां डाल के भगवान को भी दाब दिया, गंदगी भर के मंदिर को छुपा दिया। जो मंदिर दिख रहा है, छतरियां दिख रही है, दिख रही है आपको, तो ये चिंता का विषय है। तो हम लोग अब कौन लोग हैं उसका तो देखा जाएगा, लेकिन पहले तो इसकी सफाई करा के मंदिर को निकाला जाए बाहर। बाबा ने कहा जिसने ये गुस्ताखी की उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन वहाँ रह रहे लोग कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। मंदिर है, आस्था का प्रतीक है, साफ सफाई होनी चाहिए।
जी दरगाह हो या मंदिर हो, कुछ भी हो, सफाई अच्छी बात है। अवड़ी थी और शिव परिवार था हनुमान जी का। हमने देखा नहीं सुना है, मैं ये बात बता रही हूँ, लेकिन पानी इसका करबला तक पानी बहता था इसका। शिव परिवार और बालाजी का मंदिर देखा? हमने देखा नहीं सुना ही है, पानी भर चुका था ना आए तब। तो कूड़ों के ढेर के नीचे क्या है, मजार कब बनी, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन बाबा ने अधिकारियों को बावड़ी और शिवालय के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है। अश्वेता, राजनीति में जब पलटू राम की बात आती है तो नीतीश कुमार सबसे पहले याद आते हैं, जहन में आते हैं, और नीतीश कुमार अलग अलग अंदाज में देखे जाते हैं। अब जरा देखो कि अभी कितना कम वक्त हुआ है कि उन्होंने आरजेडी से अपना दामन छोड़ा है और उसके बाद एनडीए में शामिल हुए हैं, लेकिन वो लालू यादव से मिलने पहुंच गए और लालू यादव ने भी कह दिया कि मेरे दरवाजे तो हमेशा खुले हुए हैं। बिल्कुल, इस मुलाकात के बाद लालू यादव के चेहरे पर तो खुशी नजर आई, लेकिन तेजस्वी को ये मुलाकात रास नहीं आई है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। भोजपुरी में एक कहावत बा, तोहरा बिन रहलो ना जाला, तोहरा के देख देख आँखियाँ पिराला, यानी आपके बिना रहा भी नहीं जाता और आपको देखकर आंखों में जलन भी होती है। और ये बिहार की सियासत में एकदम फिट बैठती है, जिसके केंद्र में वही दिग्गज हैं जो फिलहाल बिहार की सियासत के केंद्र भी हैं, यानी नीतीश, लालू और तेजस्वी। कहाँ तो नीतीश के धोखा देने के बाद लालू यादव को उन्हें घेरना चाहिए था, लेकिन लालू यादव तो उन पर प्यार लुटा रहे हैं, तो वहीं अपने पिता के अंदाज से जुदा तेजस्वी नीतीश पर हमलावर हैं। तो मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाते हुए आए और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं, लालू जी लाबरी जी हमको माफ कीजिए। गजबे है बिहार की सियासत। नीतीश को लेकर बाप बेटे की अलग अलग राहें। लालू परिवार आखिर क्या करना चाहता है, पार्टी में बड़ा कंफ्यूजन है। 9 साल में 9 बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ने 10वीं बार के लिए भी दरवाजा खोल दिया है। फिर मौका देंगे आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते? दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा, मैं क्या करूं। लालू को नीतीश और नीतीश कुमार को लालू यादव से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। नीतीश के पेट में दांत की भविष्यवाणी करने वाले लालू यादव ने चुनाव से पहले एक बार फिर हवा का रुख भांप लिया है, शायद इसलिए राबड़ी आवास के सभी दरवाजे खोल दिए हैं। बात रही तेजस्वी की तो उन्होंने तो विधानसभा में ही कहा था नीतीश कुमार के लिए सम्मान था, है और रहेगा, तो फिर बिहार की सियासत में आगे क्या होगा देखते जाइए। बिहार में बहार है, फिलहाल नीतीश कुमार हैं।